हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर, नया इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छी से मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। टॉपिक है दुबई का लाइसेंस 2023 में कैसे बनाएं, क्या नियम है, क्या रूल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल पे हमारे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए वीडियो को। दोस्तों, वीडियो मिस मत कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। अच्छा दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 1 महीने में इधर आ जाएंगे, जो ट्रेवल एजेंट कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग 1 मंथ में इधर आ जाइए, आप लोगों का लाइसेंस हम बनवा के दे देंगे, तो दोस्तों बिल्कुल ही ऐसा नहीं होने वाला है। इस सब बातों में, इन सब चक्कर में मत पड़िए, 1 महीना में लाइसेंस नहीं बनने वाला है। दोस्तों, इसी के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या नियम है 2023 का, क्या रूल है। तो बताते हैं आपको दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो YouTube पे वीडियो सर्च करके देखते हैं कि हाउ टू गेट ड्राइवरी लाइसेंस इन UAE। दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों, बहुत लोग सर्च करते हैं और किसी गलत एजेंट के हाथ में पड़ जाते हैं, और वो लोग पैसा ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं कि भाई मैं बनवा दूंगा। वो लोग का पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, 1 मंथ में उसी आदमी का लाइसेंस बनेगा, जैसे मान लीजिए कि जिस किसी का GCC यानी गल्फ का किसी भी कंट्री का उसके पास लाइसेंस हो, जैसे मान लीजिए कुवैत का हो, सऊदी अरबिया का हो, ओमान का हो, बहरीन का हो, कहीं का भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसको UAE में रिन्यूअल करा के उसको बनवा सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आपको ट्रायल देना पड़ेगा, एक ट्रायल देना पड़ेगा, उसका भी ट्रायल होता है। तो दोस्तों, उसका मतलब रहेगा कि एक ट्रायल देंगे और उसको पास करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, कम खर्च में मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी पैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा कम पैसा लगेगा। फिर भी दोस्तों उसमें 20-25 दिन आपका लग जाएगा बनवाने में। ये नहीं होगा कि दोस्तों कि कोई लाइसेंस नहीं है और 1 महीने में आपका बन जाएगा, ये सब बात गलत है भाई लोग। जैसे आबू धाबी में है तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्रायल देना पड़ेगा, अगर आप फेल हो जाते हैं तो दूसरा बार ट्रायल देना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रायल देना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई लोग, ये सब अफवाह में मत पड़े कि 1 महीना में कोई आपका, कोई भी एजेंट हो, आपका लाइसेंस बनवा के दे देगा पैसा देने के बाद। ये सब गलत बात है, 1 महीने में कोई नहीं आपको देगा। ट्रायल देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, आई टेस्ट देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बहुत ही मतलब इसमें रूल्स है। ट्रैफिक ट्रेन टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में, आप लोग देखिए। दोस्तों दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे आदमी लोगों को देखा है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ से UAE में कुछ एजेंट हैं लोग, वो लोग वीज़ा बोलते हैं, लोग मैं वीज़ा दे रहा हूँ, आप लोग बाइक का या वो कार का आपको लाइसेंस बनवा देंगे 1 से 2 महीने के अंदर, और आपको जॉब भी दे देंगे, आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। और ये सब आने के बाद वो लोग, बहुत आदमी आ जाते हैं, आने के बाद यहाँ पे भाई लोग 6-6 महीना, 7-7 महीना बैठना पड़ता है वो लोग को, फिर वो लोग के जागने के बाद किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है। अब सोच लीजिए, आदमी 6 महीना बैठेगा, उसका क्या हाल होगा? तो दोस्तों, ये सब गलत बात है, कहीं कुछ नहीं बनने वाला है, आप लोग को बता रहा हूँ। और हाँ भाई लोग, एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि ये इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, यहाँ ये UAE है। यहाँ का रूल के हिसाब से कोई भी 2 नंबर का काम से आपका लाइसेंस नहीं बनवा सकता है। कोई ऑफिशियली अलाउंस नहीं है कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप लोग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब ध्यान में रखते हुए
आप लोग इन सब चक्कर में पड़ के कॉन्टेक्ट करके कभी मत आइएगा, और कभी मत ये सोचिएगा कि आप लोगों का कोई लाइसेंस बनवा देगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। फाइनल बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भाई मुझे इतना पैसा दे दो आपका फाइनल टेस्ट में पास करवा दूंगा। ये सब गलत बात है भाई लोग। तो भाई लोग आप लोगों से ये मैं बता दूं कि किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए और उसके ये यूएई गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, फाइल ओपन कराइए। फाइल ओपन कराने के बाद दोस्तों आप लोग अपना ट्रेनिंग दीजिए, आईट सर्टिफिकेट बनवाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए। बनवाने के बाद उसके बाद से आप लोगों को डेट मिलता रहेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आप लोगों का थोड़ा बहुत अमाउंट लगेगा जो गवर्नमेंट का अमाउंट लगेगा। उसके बाद से आप लोग ड्राइवरी जानते हैं तो आप लोग खुद भी जाएंगे, आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आप लोग पास होंगे। तीन टेस्ट होगा दोस्तों, तीनों टेस्ट आप लोग दे देंगे, उसके बाद से आप लोगों को डीएल मिल जाएगा, गल्फ का यूएई का लाइसेंस आप लोगों को मिल जाएगा। कोई दोस्तों इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई इसमें कॉन्टेक्ट बेस नहीं है कि बोल देगा कोई भाई मेरे को इतना पैसा दे दो मैं बनवा दूंगा। पैसा देंगे दोस्तों, उसके बाद भी तो आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तब भी टेस्ट देने जाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा बात आप लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी को पैसा नहीं दीजिएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग फाइल ओपन कराइएगा, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप लोग बनवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जो लोग का रूल है वो लोग खुद आप लोग जाएंगे वहाँ पे, तो वो लोग सारा डिटेल आप लोग को वहाँ पे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बैठे हैं सारा आप लोग को बताएंगे कि ये इतना टाइम पे आपका होगा, ये इतना टाइम पे होगा, फर्स्ट टेस्ट कब है, सेकंड टेस्ट कब है, फाइनल टेस्ट कब है, ये सब आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।